नमस्कार विजय भैया। अरे नमस्कार नमस्कार। हमारे नेता जयचंद जी ने भाभी के लिए साड़ी, आपके लिए दारू और साथ ही साथ 1,000 रुपया भिजवाया है। हाँ कल वोटिंग का दिन है, आपके पूरे परिवार का वोट हमारे नेताजी को ही जाना चाहिए। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है? जब नेताजी ने हमारा इतना ख्याल रखा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी नेताजी का ख्याल रखें। आप निश्चिंत होकर जाइए, मेरा और मेरे पूरे परिवार का वोट जयचंद जी को ही जाएगा। अच्छा ठीक है ठीक है, नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार। भैया माँ कैसी है? माँ बहुत अच्छी है। चलिए। अरे सुनती हो, कल हम सबको जयचंद जी को ही वोट देना है। देखो देखो देखो, उन्होंने तुम्हारे लिए साड़ी भिजवाया है और मेरे लिए एक बोतल दारू और 1,000 रुपया भी। अच्छा भैया एक बात बताइए। हाँ? एक अच्छी गाय कितने में आ जाएगी? गाय 40 से 50 हजार। महंगी है। अच्छा एक बकरी कितने में आ जाएगी? बकरी 15-20 हजार। ये भी महंगी है। अच्छा एक पालतू कुत्ता कितने में आएगा? कम से कम 5 से 10 हजार में तो आएगा ही। बताइए 1,000 रुपए में कुत्ता नहीं बिक रहा, मगर 1,000 रुपए में आदमी बिक रहे हैं। कैसी बातें कर रही हो? अरे जयचंद जी हमारे क्षेत्र के नेता हैं, हमारा कितना ख्याल रखते हैं, इसीलिए तो उन्होंने ये सब भेजा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। क्यों खुश होना चाहिए? अगर उन्हें हमारा इतना ही ख्याल है तो 5 सालों तक नजर क्यों नहीं आए? अगर वो हमारे क्षेत्र में कोई काम किए होते तो आज उन्हें पैसे और दारू देकर वोट नहीं खरीदना पड़ता। ऐसे ही नेता जब जीत कर आते हैं तो लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करते हैं, गरीबों का पैसा लूटते हैं, और ये सब पैसा दारू और चुनाव में खर्च किए गए रकम का कई गुना वसूल करते हैं। इसीलिए अपने वोट की ताकत को पहचानिए और वोट हमेशा सही उम्मीदवार को दीजिए।